ईपीएस पेंशनर्स के लिए काम की खबर, ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए पेंशन में कमी आने की आशंका, पेंशन धारकों के लिए चौंकाने वाली खबर, अब हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा ये भत्ता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से दो नए अपडेट जारी, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को मिलेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते तक होने जा रहे, देखिए आज की ताजा रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा, इसी सत्र में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर, आज की तमाम पेंशन से जुड़ी पांच मुख्य बड़ी खबरों को सिर्फ जानते हैं 5 मिनट के अंदर। सीधी जो पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है उनको जानेंगे, जिसका सीधा ही असर करे तो आपकी पेंशन पर होने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से चार बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, जो कि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी है। तो यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशन भुगतान तक होने जा रहे हैं। अगर आप एक ईपीएस 95 65 लाख पेंशनधारकों में से अगर आप भी पेंशनधारक हैं, यानी कि कहे तो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए काम की होने वाली है। पेंशनर्स को 10 साल बाद मिला उनका असली हक क्या है, या फिर उनको न्याय मिला, तो क्या सरकार ने पेंशन को लेकर ऐलान किया है, जिसका फायदा किन पेंशनधारकों को मिलेगा, कौन से पेंशनधारक उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने पेंशन ईपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन की जो टेंशन है वो खत्म होने वाली है, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर मिली है, तो क्या है सरकार का नया ऐलान। ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तोहफा बताया जा रहा है, जैसा कि ईपीएस और ओपीएस पर सरकार के दो नए ऐलान जारी, उसको लेकर सहमति बनी है। तो इस खबर की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली, क्या सरकार ने ऐलान किया है जिसके अनुसार जो पेंशनर्स है उनको पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 7,500 रुपए मिलेगी, 9,000 रुपए मिलेगी, 8,500 रुपए मिलेगी। तो पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर मिली है। तो साथ में आपकी अन्य मांगे थी कि आयर पेंशन मेडिकल की सुविधा मिले, तो उनमें से कौन कौन से दो यानी कि नए ऐलान हुए जिससे सहमति बनी है, तो कौन कौन से जो ऐलान को लेकर सहमति मिली उनके बारे में जानेंगे। तो ये जानकारी बताई जा रही है कि आज रात 12 बजे से पेंशन आपके खाते में आने वाली, तो इस खबर की क्या सच्चाई आखिर होने वाली है। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बेहद ही काम की होने वाली है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिला शानदार स्वागत पेंशन को लेकर, तो ये अभी अभी की जानकारी मिली है, जिसके अनुसार पेंशन धारक है उनकी पेंशन को लेकर यह जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दी गई है। तो मंजूरी कौन से यानी कि पेंशनर्स की जो मांगे हैं उनको लेकर मंजूरी दी गई है, क्या आधिकारिक सरकार ने ऐलान किया है या फिर नहीं, तो एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी आपसे भी बड़ी खबर देखने को मिली है। तो अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये अपडेट मिली है, जिसके अंदर ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने जा रही है, 9 गुना की तैयारी कर रही है। तो आगे की खबर को जानेंगे, तो आपको बता दें कि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, आधिकारिक सरकार से फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन अपडेट इस तरह की मिली कि सरकार पेंशन की राशि 9 गुना करने जा रही है। तो सरकार के निर्देशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में बकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया है कि इस प्रस्ताव में सिर्फ 65 लाख पेंशन ऐसे ईपीएस के उनको पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है। तो सरकार न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने जा रही है, इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर यानी कि ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सरकार यानी कि मोहर लगने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम आपकी पेंशन है 1,000 रुपए की, उससे बढ़ाकर के 9,000 रुपए कर सकती है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ा सकती है, इस तरह की इस रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है। लेकिन सरकार ने ऐसी फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पेंशन की रकम 9 गुना करने के पीछे सरकार का मकसद बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसको मजबूत करना, और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इसी यानी कि ऐलान के अनुसार इम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी को उसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर चरण भी बताया जा रहा है कि 3 चरणों के अंदर आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल आधिकारिक कोई भी ऐलान ईपीएफओ से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ है, न सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 18 लाख पेंशनर्स को 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, और 22 लाख पेंशनर्स उनको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, और 25 लाख पेंशनर्स उनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार ने और ईपीएफओ ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी घोषणा आधिकारिक नहीं की है। तो फिलहाल इस स्कीम के जरिए सिर्फ 65 लाख पेंशनर्स को ही फायदा मिलता है। तो मोदी सरकार ने साल 2014 के अंदर आपकी पेंशन में संशोधन करके 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन को लागू किया था, तब केंद्र की मोदी सरकार पेंशन की राशि को 9 गुना करने की यानी तैयारी कर रही है, इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। और कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर देखने को मिली है। अगर आप भी ओपीएस की बाली को लेकर मांग करेंगे कि सरकार ओपीएस बाल कब करेगी, तो अगर आप यानी कि पंजाब या हरियाणा राज्य के रहने वाले कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है।
तो हाईकोर्ट ने क्या ओपीएस को लेकर ऐलान किया है, तो बता दिया जाए कि ओपीएस में कर्मचारी को 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए भी लागू किया जाता है और पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का भी फायदा रिटायर्ड कर्मचारी को मिलता था ये ओपीएस के अंदर। लेकिन एनपीएस की अगर बात करें, एनपीएस में न्यू पेंशन सिस्टम है, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है। इसके तहत अब 1/2004 से पहले जो नियुक्त हुए कर्मचारी और बाद में जो नियमित हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना इनके लाभ के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगले 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए। क्या है आखिर यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के विभिन्न विभागों के जो कर्मचारियों की ओर से ओपीएस को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और पंजाब सरकार को इन्हीं यानी कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ 4 माह में जारी करने का आदेश दिया था। इसमें सुरजीत सिंह एवं अन्य रंजीवन सिंह के माध्यम से जो कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न जो विभाग है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है आदि में कच्चे कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया था, लेकिन वो ओपीएस का उन्हें फिलहाल लाभ नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें भी अब ओपीएस का लाभ मिलेगा, इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। सरकार ने क्या दिया ये इसको लेकर जवाब, तो याचिकाकर्ता द्वारा नियमित होने के बाद यानी कि जो नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की अपील की थी, जिस पर जनवरी में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द इस संबंध में फैसला लेने को लेकर आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने यानी कि पंजाब सरकार ने की ओर से यानी कि दलील की गई याचिका को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी गई, ऐसे में इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने अगले 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस देने का आदेश दिया है। तो इसके बाद फिर हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न जो विभागों के कर्मचारियों की ओर से दाखिल की याचिकाओं को स्वीकार किया और कहा कि अन्य मामले में जो हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो सभी मामलों में किया जाना चाहिए। तो पंजाब हाईकोर्ट को यानी कि 4 माह में यानी कि याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना लाभ देने को लेकर आदेश दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ हो लेकिन भले स्थिति के बाद वो नियमित हुआ लेकिन वो पुरानी पेंशन का हकदार होगा, इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। आखिरी क्या अंतर है ओपीएस वर्सेस एनपीएस में, यानी कि कर्मचारियों की आखिरी ओपीएस को लेकर ही जो मांग है जो ज्यादातर की जा रही है, तो इसके पीछे का आखिरी कारण क्या है, सरकार आखिरी ओपीएस क्यों नहीं बहाल कर रही है और एनपीएस आखिरी जो पेंशन धारक वो खत्म करने को लेकर मांग क्यों कर रहे हैं। तो ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन उनको राजकोष से सरकार द्वारा यानी कि दिया जाता था। जैसा कि अगर आप एनपीएस के अंदर बात करें तो आपको योगदान देना पड़ता है, योगदान किए गए पैसों को बाजार के यानी कि शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है, उस शेयर बाजार के रिटर्न के अनुसार ही आपको जो मिलती है पेंशन। लेकिन ओपीएस के अंदर ऐसा नहीं था। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% का भाग डालती है और ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ करके आपको मिलता है। पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन के रूप में उन्हें परिवार को इनकी पेंशन दिया जाने का ओपीएस में शामिल था प्रावधान, इनकी पूरी पेंशन देने का। लेकिन ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी का भी फायदा मिलता था, यानी कि ग्रेजुएटी मिलती थी और ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए भी लागू किया जाता था। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का भी फायदा मिलता था और एनपीएस में कर्मचारियों को यानी कि समय पर ग्रेजुएटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने वाला उपरांत जो महंगाई भत्ता मिलता है उसका भी यानी कि वो लागू नहीं होता है। नई पेंशन स्कीम तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का आपको 40% निवेश करना होता है और सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं होती है। एनपीएस पूरी तरह से शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। तो एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को जो पेंशन की रकम है उसकी आधी पेंशन ही उस परिवार को दी जाएगी। ओपीएस में पूरी पेंशन देने का प्रावधान था लेकिन एनपीएस में 50% पेंशन देने के तौर पर प्रावधान है और ओपीएस के विभिन्न नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो पैसा है मिलेगा और उस पर टैक्स आपको देना होगा। ओपीएस में कर्मचारियों पर जो रिटायरमेंट के समय जो पेंशन मिलती थी उसमें जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। ये आपकी ओपीएस और एनपीएस में जो अंतर होने वाला है जिसको लेकर ज्यादातर कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार ओपीएस बहाल करे। सरकार ने फिलहाल ओपीएस को लेकर कोई भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है और आरबीआई के अनुसार देखा जाए तो आरबीआई ने पहले भी चेतावनी दिया कि ओपीएस यानी कि बहाल नहीं किया जाता, देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। और वैसे कि सरकार ने भी इस प्रस्ताव को लेकर कहा कि ऐसा कोई भी सरकार के पास फिलहाल लंबित प्रस्ताव नहीं है कि ओपीएस को बहाल किया जाए। 2023 के अंदर जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी अब सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है और उस रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस संशोधन को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है कि सरकार एनपीएस में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधिकारिक कोई ऐसी घोषणा फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। तो आज दिन भर की इस तरह की आपके लिए अपडेट होने वाली ऐसी और भी नहीं ताजा अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।